हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीपेट जूलॉजी के लिए पीजी एंड्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विजेस तो होता ही है, साथ में सीपेट रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा और आप चाहो तो अपने प्रैक्टिस के लिए क्विजेस वगैरह भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा है, हम डिस्कस करेंगे सीपेट जूलॉजी का 2020 यानी 2020 का जूलॉजी क्वेश्चन पेपर को। जूलॉजी क्वेश्चन पेपर को आज बहुत ही इजी वे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को ये भी मालूम है, इसमें टोटल 70 एमसीक्यूज आते हैं। तो पहले इस वाले वीडियो में हम पहले 35 क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं और रेस्ट 35 क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले वीडियो में, ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो। तो मैं कोशिश करूंगा जितना ईजी वे में हो सके ये पहले 35 को क्वेश्चन, यानी कि हर एक टोटल 70 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये पहले वाले ये जो वीडियो में ये पहले 35 क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये तो फ्रंट पेज है जैसे कि दिख रहा है, और उसके बाद ब्लैंक पेज। अब ये आया आप लोगों का क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एमेबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। एमेबिक डिसेंट्री कौन करता है? एमेबिया एमीबा प्रोटियस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम फाइवेक्स और टिनिया सोलियम। सो इसका राइट आंसर है एमेबा एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो कि ये जो एमेबिक डिसेंट्री का दूसरा नाम है एमीबीएसिस। ठीक है, एमीबीएसिस एमीबीएसिस इस डिजीज को कहा जाता है। और ये किस वजह से होता है? ये आप लोगों का स्प्रेड होता है ह्यूमन फिकल मैटर से। ह्यूमन फिकल मैटर से ये डिजीज स्प्रेड करता है, फिकल मैटर। ठीक है, फिकल मैटर जिसको डिसेंट्री भी कॉमनली कहा जाता है। ठीक है, बाकी टीनिया सोलियम से कौन सा डिजीज होता है? टीनिया सोलियम डिजीज करता है सिस्टी, ये भी जान के रखिए, ये भी क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकता है, सिस्टी सर्कोसिस। ठीक है, ये डिजीज करवाता है टीनिया सोलियम। बाकी प्लाज्मोडियम फाइवेक्स तो आप लोग स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये मलेरिया करता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्डिसोन इज डैश बीएच पीटीटीएच पीजीएच और जेएच। देखिए, एग्डिसोन एक तरह का आप लोगों का स्टेरॉयड हार्मोन है, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है और जिसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट में। ठीक है, इंसेक्ट में इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये कंबाइंडली एक्ट करता है जेएच के साथ, मतलब इंटरैक्ट करता है जेएच के साथ, जिस वजह से आप लोगों का जो लार्वा होता है, लार्वा को ये लार्वा मोल्ट में, ये कंडीशन में लार्वा मोल्ट में ये चेंज करवाता है। और इसका जो प्रोपोर्शन है, इसका जो रेशियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जब जेएच के साथ लोअर अमाउंट होगा तब ये क्या करेगा, प्यूपेशन करेगा। जब कंप्लीटली ये एब्सेंट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एडल्ट स्टेज इंसेक्ट को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। बाकी इसका कोऑर्डिनेट वर्क किसके साथ है, जेएच के साथ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्पॉन्जेस द सेल्स सराउंडिंग द ऑस्कुलम इज, स्पॉन्जेस में जो सेल्स होते हैं सराउंड करते हैं ऑस्कुलम को, उसको क्या कहते हैं? आर्कियोसाइट्स, मायोसाइट्स, क्वानोसाइट्स, ग्लैंड सेल्स, उसको कहते हैं हम मायोसाइट्स, जो कि इन्वॉल्व है हमारा एक तरह का, ये क्या है, स्मॉल मस्कुलर सेल होते हैं, मस्कुलर सेल होते हैं। और ये ज़्यादातर किस पर्पज़ के लिए पाए जाते हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए, क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए। ठीक है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए ये इन्वॉल्व रहते हैं और ये अरेंज हुए रहते हैं एक रिंग मैनर में अरेंज हुए रहते हैं ऑस्कुलम के अंदर। ठीक है, रिंग मैनर में अरेंज हुए रहते हैं कौन, मायोसाइट। बाकी आर्कियोसाइट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व है। क्वानोसाइट आप लोगों का फिल्टर करता है वाटर को फिल्टर करके उसमें से पार्टिकल्स वगैरह को हटाता है, और ग्लैंड सेल्स तो सिक्रीशन करवाता है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो है मायोसाइट, जो कि स्मॉल मस्कुलर सेल्स से बने हुए रहते हैं। इनका काम है क्लोजिंग एंड ओपनिंग कराना, और ये एक रिंग मैनर में ऑस्कुलम के अंदर अरेंज हुए रहते हैं। उसके बाद देखिए, कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कॉन्कोलॉजी एक स्टडी किसका है, सिलेंडर एंड मोलूस का, सेल ऑफ मोलूस का, या फिर मेंटल ऑफ मोलूस का। देखिए, इसको केयरफुली आप लोगों को करिएगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है सेल ऑफ मोलूस का। सो कॉन्कोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मोलूस सेल। सो स्टडी क्या है, ये स्टडी ऑफ मोलूस्का का सेल। ठीक है, मोलूस्क सेल उसका स्टडी को कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। बाकी आप लोग अगर बोलोगे कि स्टडी मोलूस्का का स्टडी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मालाकोलॉजी। ठीक है, वो मोलूस्का के स्टडी को कहा जाता है मालाकोलॉजी, मैं लिख दे रहा हूँ मालाकोलॉजी। और अगर आप उसके सिर्फ सेल को पढ़ेंगे तब उसको कहा जाएगा कॉन्कोलॉजी। ठीक है, उसके बाद देखिए, सिंकाइसियल एपिडर्मिस इज फाउंडेड। सिंकाइसियल एपिडर्मिस कहाँ पे मिलता है, हाइड्रा एस्कारिस आर्थोन स्टारफिश, ये पाया जाता है एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड्स में। और ये किस तरह का एक स्पेशल सेल है,
ये जो सिंकाइसियल एपिडर्मिस होते हैं ना, ये आजकल इसमें मल्टी लेयर्ड होते हैं, ये भी याद रखिए, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होते हैं, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। अब ये मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस में यूनिक चीज़ क्या है जानते हैं, ये हर एक सेल जो होता है ना वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फेल्ड हो जाता है साइटोकाइनेसिस करने के लिए, तो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो सेल भी नहीं बनेगा, तो सेल डिफरेंट सेल नहीं बनेंगे, तो एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस आप लोगों के रह जाएंगे, यही है इसका यूनिक पॉइंट और कैरेक्टरिस्टिक जो कि पाया जाता है आस्कारिस लुम्बरिकॉर्ड्स में, और ये मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस बियर करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल्स लैंटन प्रेजेंट इन, एरिस्टोटल लैंटन कहाँ पर पाया जाता है, और या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं किसका नाम है, सी लिलीज, सी क्यूकम्बर, सी अर्चिन या फिर सी पी। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है, एरिस्टोटल लैंटन किसे कहा जाता है, सी अर्चिन को कहा जाता है, ठीक है, सी अर्चिन को एरिस्टोटल लैंटन कहा जाता है, किस वजह से, बिकॉज ये बना रहता है 5 कैल्शियम कार्बोनेट से, 5 कैल्शियम कार्बोनेट टीथ जॉ से बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्थोम द ओवरी इज सिचुएटेड इन, आर्थोम का मैं ये बहुत बार देखा हूँ, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्थोम में से बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, कभी ओ टेस्टिस का पूछ लेता और इस बार ओवरी का पूछा है, तो यहाँ पे ओवरी किस सेगमेंट में, आर्थोम होता है ना आर्थ्रोपोडा बिलोंग करता है, जो सेगमेंटेड बॉडी होते हैं, तो ये किस सेगमेंट में पाया जाता है, 10th सेगमेंट, 13th सेगमेंट, 11th सेगमेंट, 14th सेगमेंट, ये पाया जाता है 13th सेगमेंट में, ओवरी पाया जाता है। अगर टेस्टिस का पूछा होता तो टेस्टिस पाया जाता है आप लोगों का स्पेसिफिकली 10th एंड 11th सेगमेंट में, ये भी याद रखिए, ठीक है, 10th एंड 11th सेगमेंट पे पाया जाता है टेस्टिस, टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है। और इसको पूरा अगर कहेंगे, क्योंकि आर्थोर में एक तरह का बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, या फिर हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है, आप लोग ये भी जानते हैं हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है, तो इसमें गोनाड्स दो तरह के होते हैं, टेस्टिस भी होते हैं और ओवरीज भी होते हैं, टेस्टिस होता है हमारा 10th एंड 11th में और ओवरी होता है हमारा 13th में, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और पूरा का पूरा गोनाड मतलब लिमिट हुआ हुआ रहता है 9 to 15 में, पूरा का पूरा गोनाड कवर किया रहता है 9 to 15 पोजिशन में। उसके बाद देखिए, इन सेफलोकोडेट्स गिल स्लिट्स ओपन इनटू, गिल स्लिट्स कहाँ पे ओपन होते हैं सेफलोकोडेट में, फेरिंग्स, एट्रियम, सीलोम, हार्ट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ओपन हुए रहते हैं आप लोगों का एट्रियम, मुझे लग रहा है, बट यहाँ पे फेरिंग्स भी हो सकता है, बट एट्रियम को ओपन होता है फाइनली, बट यहाँ पे फेरिंग्स भी हो सकता है। तो ये जो दो आंसर है, आप चाहो तो इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कौन सा वाला सही है, मुझे ज़्यादा लग रहा है फेरिंग्स होगा, फिर ये आप अपना राय यहाँ पे सजेशन देना कौन सा सही है, ठीक है, मुझे एट्रियम लग रहा है जो ओपन होता है। उसके बाद देखिए, मामल लाइक रेप्टाइल्स बिलोंग्स टू, मामल लाइक रेप्टाइल्स कहाँ पे बिलोंग करते हैं, एनाप्सिड लाइन ऑफ इवोल्यूशन, यूरिप्सिन या फिर पैराप्सिड या फिर सिनाप्सिड, वो बिलोंग करता है सिनाप्सिड। देखिए सिनाप्सिड क्या है, एक मेजर ग्रुप है सिनाप्सिड और आपका एक है सोरोप्सिड, ठीक है, सोरोप्सिड, ये दोनों मिलकर एक मेजर ग्रुप ऑफ मामल या फिर एनिमल जो कि इवॉल्व हुए रहते हैं बेसल एमनियोड से, ये सिनाप्सिड और सोरोप्सिड इवॉल्व हुए रहते हैं बेसल एमनियोड से, ठीक है, बेसल एमनियोड से ये दो ग्रुप ऑफ एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं, और मामल बिलोंग करता है, मामल लाइक रेप्टाइल जो कि हैं बिलोंग करता है सिनाप्सिड वाले लाइन में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ आर्क्योप्टेरिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम, आर्क्योप्टेरिक्स का जो फॉसिल रिकॉर्ड कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ था, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, ये डिस्कवर्ड हुआ था आप लोगों का जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, आर्क्योप्टेरिक्स को एक तरह का क्या बोला जाता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, इसको मिसिंग लिंक माना जाता है, ठीक है, मिसिंग लिंक माना जाता है किसके बीच में, रेप्टाइल और रेप्टाइल एंड बर्ड्स के बीच में, ठीक है, रेप्टाइल एंड बर्ड के बीच में इसको एक मिसिंग लिंक, ना ये प्रॉपरली रेप्टाइल है ना ये प्रॉपरली बर्ड है, तो इसको एक मिसिंग लिंक कहा जाता है इसीलिए, क्योंकि कुछ कैरेक्टर मिस है इसमें, और अभी इसको माना जाता है डायनासोर एंड बर्ड के बीच में, बर्ड के बीच में एक मिसिंग लिंक, ठीक है, पहले माना जाता था रेप्टाइल एंड बर्ड के बीच में, अब माना जाता है इसको डायनासोर और बर्ड के बीच में मिसिंग लिंक। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स, अच्छा लिविंग लैंड एनिमल्स बोला, आर लोकेटेड इन द सब ऑर्डर, तो जो लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल कौन है पहले तो उसको जान लेते, ये एक हाथी है, ठीक है, आप लोग इजीली याद हो इसलिए मैं बोलता रहा हाथी, बट इसका जो नाम है उसको कहा जाता है अफ्रीकन, अफ्रीकन बुश, अफ्रीकन बुश एलिफेंट,
इसको कहा जाता है अफ्रीकन बुश एलिफेंट। ठीक है, ये आप लोगों का ऑर्डर कौन से ऑर्डर में बिलोंग करता है, पेरिसोडैक्टिला, आर्टियोडैक्टिला, प्रोबिसिडिया, हाइड्रोसोइडिया। तो ये आप लोगों का प्रोबिसिडिया में बिलोंग करता है सब ऑर्डर। ठीक है, आप लोगों का ऑर्डर सॉरी सब ऑर्डर प्रोबिसिडिया में बिलोंग करता है और ये सबसे लार्जेस्ट एनिमल है, ये भी याद रखिएगा। और ये नेटिव किसका है, नेटिव है आप लोगों का सहारान अफ्रीका को। ठीक है, अफ्रीका को कह सकते हैं, अफ्रीका में ही ये नेटिव है, यहाँ पे पाया जाता है। और इसका वेट लगभग 100 किलोग्राम होता है, 100 kg। ठीक है, 100 kg का आसपास होता है ये हाथी। उसके बाद देखिए द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ये तो बहुत ईजी है। ड्राइविंग फोर्स यानी कौन सा मतलब फोर्स है जो कि इकोसिस्टम को रन करता है, बायोमास प्रोड्यूसर, सोलर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसर, ये बहुत ईजी है, वो है आप लोगों का सोलर एनर्जी, सन। ठीक है, सन ही है जो कि ये पूरा टोटल बायोस्फीयर को रन कर रहा है, इकोसिस्टम को रन कर रहा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द टर्म इको टाइप वॉज कॉइंड बाई, इको टाइप को कौन किसने कॉइन किया था, गोटेट्यूरसन, मैकमिलन, कोरिंगा या फिर एल्टन, इसको कॉइन किए थे हमारे गोटेट्यूरसन ने। ठीक है, उसके बाद देखिए द टर्म बायोसिनोसिस वॉज प्रपोज बाय, बायोसिनोसिस ये आप लोगों को 12th के बुक में मिल जाएगा, बायोसिनोसिस को कार्ल मोबियस ने प्रपोज किया था, और ये गलत लिखा है, कार्ल होगा। ठीक है, CKARL, ठीक है, यहाँ पे के लिखा है। उसके बाद देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, जूलॉजी में फोटोसिंथेसिस यानी बोटनी का क्वेश्चन आ गया। इस तरह का कभी कभी होता है जो मैजिक चमत्कार कि जहाँ पे जूलॉजी में बोटनी का क्वेश्चन आ गया, तो है हालांकि इसको भी कर लेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, लाइट। तो देखिए लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है पहले जानिए, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका मिनिमम मिनिमल अमाउंट या फिर मिनिमल रेशियो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का रेट को डिटरमाइन करता है। उसमें ऑक्सीजन कभी भी रोल प्ले नहीं करता। आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस रेट अफेक्ट करेगा, क्लोरोफिल कंटेंट अगर कम हो जाए तो भी फोटोसिंथेसिस रेट रेट अफेक्ट होगा, अगर लाइट कंडीशन लाइट इंटेंसिटी भी कम हो या फिर ज़्यादा हो वो भी हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट को अफेक्ट करेगा। लेकिन जो हमारा यहाँ पे आंसर है वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, ये एक बाई प्रोडक्ट है जिस वजह से ये कभी भी एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। ज़्यादा ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन से फोटोसिंथेसिस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्वेस्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रोटीन, सो इसका राइट आंसर है क्लाथिरिन। क्लाथिरिन जो है ये एक रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटिस करता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिक्वायर होता है। ठीक है, कोड प्रोटीन की तरह एक्ट करता है। उसके बाद देखिए द प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लाइडिंग ऑफ आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट अगेंस्ट वन अनदर टू प्रोड्यूस सिलियरी बाइंडिंग इज नेक्सिन, डाइनिन, ट्यूबुलिन, नॉन ऑफ दिस, सो इसका राइट आंसर है डाइनिन, जिसको कहा जाता है एक्जोनिमल डाइनिन, एक्जोनिमल डाइनिन। और ये क्या करते हैं ना, मोटर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जिस वजह से आप लोगों का माइक्रोट्यूबुल डबलेट में मूवमेंट होने से सिलियरी एक्शन होता है, सिलियरी मूवमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन टारगेटिंग मैकेनिज्म इज कॉमन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल, सो इनमें से जो कौन सा प्रोटीन टारगेटिंग मतलब कौन सा प्रोटीन टारगेटिंग मैकेनिज्म है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में पाया जाता है, को ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल, को ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन या डीनोवो, डीनोवो प्रोटीन, सो इसका जो राइट आंसर है वो है पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग मैकेनिज्म, आपको बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में मिलने देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों ये भी मालूम होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में उनका खुद का ओन ओन उनका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ओन डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, इस वजह से इन दोनों को कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है, इन दोनों को कहा जाता है क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए हो और खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। उसके बाद देखिए सेल साइकिल इज कंट्रोल बाय प्रोटीलाइसिस ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, फॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिन, डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिन या प्रोटीलाइसिस ऑफ साइक्लिन, ये जो सेल साइकिल को कंट्रोल करता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिन, जिसको आप लोग CDK के नाम से जानते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये फॉस्फोराइलेशन के वजह से होता है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिन के वजह से होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल रिएक्शन इज मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज बाय लिविंग सेल्स टू प्रोपागेट इंट्रा सेलुलर सिग्नल, सो इनमें से कौन सा बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि ज़्यादातर यूटिलाइज करते हैं लिविंग सेल टू प्रोपागेट इंट्रा सेलुलर सिग्नल, सेल के अंदर सिग्नल देने के लिए कौन सा रिएक्शन ये करते हैं, एसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, मिथाइलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा
मिथाइलेशन, ठीक है, मिथाइलेशन होगा मेरे हिसाब से आंसर, बट ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन भी लग रहा है, बट मिथाइलेशन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आप इसका बेटर आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। उसके बाद देखिए, आइसोटोप्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये बहुत ईजी है। मेसलसन एंड स्टाल ने दिया था ये एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने यूज किया था N14 एंड 15, जो कि किस फॉर्म में, NH4Cl एमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में यूज किया था। यहाँ पे एन को ये नॉर्मल नाइट्रोजन जो कि है 14 वाला, उसको हैवी नाइट्रोजन से रिप्लेस करके देखे थे N15 से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इन प्रोकैरियोट्स द लैगिंग प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय, प्रोकैरियोट्स में लैगिंग प्राइमर यानी कि एक तरह का लैगिंग, आप लोगों को मालूम होगा ये डीएनए है और ये एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग, और दूसरा है लैगिंग, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड तो वो अपना बढ़िया से कंटिन्यूस होते होते जाएगा रेप्लिकेशन, बट लैगिंग स्ट्रैंड इस तरह से रुक रुक के होता है, जिसको लैगिंग कहा जाता है। तो पहले उसके लिए एक छोटा सा प्राइमर, फिर एक प्राइमर, फिर एक प्राइमर, तो ये प्राइमर को फाइनली रिमूव कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज वन, जिसको कहा जाता है कॉनबर्ग एंजाइम, ये भी याद रखिएगा कॉनबर्ग एंजाइम। मैं एक एक क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तीन तीन क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाने से आप लोगों को कोई भी कुछ भी उसी के क्वेश्चन जब भी बनाया जाता है उसी के आसपास क्वेश्चन को ही लेके बनाया जाता है, इसलिए मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए, व्हेन द ह्यूमन जीनोम ड्राफ्ट सिक्वेंस वाज रिलीज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप लोगों को मालूम हुआ 2003 में कंप्लीट हुआ था, इसको 13 साल लग गए थे, तो ये जब सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम का पूरा सीक्वेंस रिलीज हुआ था, कौन सा वाला चीज़ इनमें से लीस्ट एक्सपेक्ट किया गया था, लार्ज अमाउंट ऑफ रिपीटेटेड डीएनए, द साइज ऑफ टोटल जीनोम, द साइज ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोजोम, या फिर द स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन। सो इसका जो राइट आंसर है ये जो मतलब लीस्ट एक्सपेक्ट किया गया था कि द साइज ऑफ द टोटल जीनोम इतना भी मतलब भास्ट नहीं होगा बोल के ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, फोटो रिएक्टिवेशन क्या होता है, रिपेयर डाइमर्स इन डीएनए यूजिंग एन एंडोन्यूक्लियस, यूजेस लाइट टू एक्टिवेट रिपेयर एंजाइम, रिमूव्स अल्कलेटिंग एजेंट फ्रॉम बेसेस, या फिर डीएमिनेट बेसेस। सो इसका जो राइट आंसर है, जो फोटो रिएक्टिवेशन एक तरह का क्या करता है, डीएनए को यूजेस लाइट टू एक्टिवेट रिपेयर एंजाइम, सो ये क्या करता है ना, डीएनए में एक्टिवेट करता है रिपेयर एंजाइम को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। फोटो रिएक्टिवेट करता है फोटो के प्रेजेंस, लाइट के प्रेजेंस में डीएनए रिपेयर एंजाइम एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ, पोजीशन इफेक्ट किसका रिजल्ट होता है, म्यूटेशन का, डिलीशन का, इन्वर्जन का, ट्रांसवर्जन का। सो इसका राइट आंसर है म्यूटेशन, और पर्टिकुलरली ट्रांसलोकेशन, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ट्रांसलोकेशन के वजह से आप लोगों का पोजीशन इफेक्ट होता है, ये एक तरह का जीन इन्फ्लुएंस बाय इंटरेक्शन ऑफ यूजुअली एडजेसेंट जीन्स होता है, ठीक है। जीन इंटरेक्शन जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो एडजेसेंट जीन के तरफ से होते हैं। उसके बाद देखिए, पेरिनियम, पेरिन्यूरियम इज द कलेक्टिव टिश्यू लेयर, जो पेरिन्यूरियम क्या है, कलेक्टिव टिश्यू लेयर है, टिश्यू लेयर सराउंडिंग एन एंटायर नर्व, सराउंडिंग इंडिविजुअल एक्सॉन्स इन द सीएनएस, या फिर सराउंडिंग इंडिविजुअल एक्सॉन्स इन द पीएनएस, या फिर सराउंडिंग फेसिकल्स ऑफ एक्सॉन इन द पीएनएस। सो इसका जो राइट आंसर है, सराउंडिंग एन एंटायर नर्व। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द परसेंटेज परसेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है इनमें से, जो कि परसेंट ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल बताता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइन करता है, या फिर एसिडिटी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर टेम्परेचर। इसका एक बहुत ही ईजी आंसर है, वो है पार्शियल प्रेशर। देखिए हीमोग्लोबिन का काम क्या है, इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर किसका देखा जाएगा, ऑक्सीजन का देखा जाएगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का, ना कि टेम्परेचर या फिर एसिडिटी, ये कोई भी रोल प्ले नहीं करते। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन्स फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द किडनी ट्यूब्स इज कैरियड आउट बाई, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन्स, जो कि मतलब एक बार फिल्ट्रेट हो जाने के बाद फिर से ऑब्जर्व किया जाना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के द्वारा इन द किडनी ट्यूब, इज कैरियड आउट किसके थ्रू से, कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर ब्राउनियन मूवमेंट। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिफ्यूजन। सो ये जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है क्लोराइड आयन को, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को अगेन उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि एसेंशियल है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल हुज एब्सेंस कुड लीड टू
ये अकेले क्या पर्निशियस, अच्छा पर्निशियस एनीमिया इज द, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल जिसका एब्सेंस में पर्निशियस एनीमिया होता है वो इज द चीफ सेल ग्लोब, कौन सा है इनमें से, कौन सा सेल है, चीफ सेल या फिर गोबलेट सेल, म्यूकोसनिक सेल या फिर पेरिटल सेल। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पेरिटल सेल, ठीक है, ये होगा पेरिटल सेल जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रीमिशियस एनीमिया के लिए। उसके बाद ऑल द हॉर्मोन्स ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स आर सिंथेसाइज बाय, सो एड्रेनल कॉर्टेक्स के सारे हॉर्मोन सिंथेसाइज किसके द्वारा होता है, टायरोसिन, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रोल, फैट, वो होते हैं कोलेस्ट्रोल के थ्रू से, ठीक है। कोलेस्ट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारे के सारे एड्रेनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन को बनाने के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द प्राइमरी टारगेट ऑर्गन ऑफ एल्डोस्टेरोन एक्शन इज, सो इनमें जो एल्डोस्टेरोन का जो एक्शन मतलब एक्शन के लिए कौन सा टारगेट ऑर्गन है, लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, हार्ट, इसका राइट आंसर है किडनी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द बैक्टीरियोफेज M13, सो ये जो वायरस है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है, कंटेंस इट्स जेनेटिक मटेरियल, तो इसका जेनेटिक मटेरियल किस तरह होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर SSDNA या फिर DSDNA, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो हमारा M13 जो बैक्टीरिया मतलब वायरस है जो कि बैक्टीरियोफेज M13 है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है SSDNA। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन BDNA ऑफ 1000 बेस पेयर्स विद द प्रोपोर्शन ऑफ बेस C A एंड T इन वन ऑफ द स्ट्रैंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू 60, 30 एंड 10% रेस्पेक्टिवली। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा केयरफुल करना पड़ेगा। देखिए बहुत ही इजी में वे में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बोला गया है एक डीएनए मॉलिक्यूल है आपके पास और ये किस तरह का डीएनए है, BDNA यानी राइट हैंडेड डीएनए, ठीक है, वो हमारा मतलब का नहीं है। अब देखिए इसमें BDNA इसका जो स्ट्रक्चर, ये BDNA हमने हमारे वाटसन एंड क्रिक ने दिया था जिसको आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इसका हमें कुछ कुछ पॉइंट्स मालूम है जिसको यूज करके हम ये सॉल्व करेंगे। तो इसके एक बेस एक स्ट्रैंड में 1000 बेस पेयर हैं, ठीक है, जो कि CAT में है प्रेजेंट है, यानी कि साइटोसिन है उसके एक स्ट्रैंड, ये मान लीजिए ये वाला स्ट्रैंड, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, मान लीजिए ये ब्लैक वाला है वो स्ट्रैंड, ठीक है, ये ब्लैक वाला को देखते हैं, तो ये ब्लैक वाला कैसे बना, सी उसके बाद AT, ठीक है, ये तीनों को मिलकर बना हुआ है, और कितना कितना, सी है 60%, ए है हमारा 30% और टी है हमारा 10%। तो देखिए तीनों को मिलाएंगे तो एक स्ट्रैंड का 100% हो गया, तो दूसरा स्ट्रैंड भी इसी तरह से अरेंज होगा। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा उसको थोड़ा केयरफुली देखिए, हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू चारों का जो भी रूल है वो है सी के हमेशा ऑपोजिट कौन रहेगा या फिर बाइंड कौन करेगा, जी विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ए के साथ टी विथ डबल हाइड्रोजन और टी के साथ ए, ये तो मालूम है। तो देखिए टी अगर 10% है तो ए भी 10% होगा उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड में, ए अगर 30% है तो टी भी 30% होगा, सी अगर 60% है तो जी भी 60%। तो यहाँ पे हमें देखना नोटिस करना ये है कि हमें क्या करना है, उनके बीच में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को निकालना है, ठीक है, 1000 बेस पेयर है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालना है, बहुत ही ईजी वे में निकालेंगे। अगर सी और जी का मात्रा है 60%, तो ये दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं टोटल 40%, क्योंकि ये भी तो ए और टी और है दोनों सेम ही है ना, तो ये हो गया 40%, तो हमारा कितना हुआ 60%, यानी यहाँ पे 1000 का 60% कितना हुआ 600, तो यहाँ पे 600 कौन है, 600 बेस पेयर कौन है, सी और जी के, और हमें मालूम है सी और जी में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे 1800 आ जाएगा सी और जी के बीच का टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब निकालें 80 और टी ए, जो भी कहना है चाहे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर 40% बना रहे हैं। अब दोनों 40% है यानी 1000 का 40% 400 हो गया, और इनमें जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो इंटू टू करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 800। तो अभी 1800 और 800 को आप अगर मिलाएंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 2600, ठीक है, 2600 आप लोगों का राइट आंसर होगा। मैं फिर से थोड़ा सा फिर से क्विकली बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए सी ए टी बोला गया, यानी एक स्ट्रैंड में सी है, टी है और सी ए है और टी है, सी 60% है, ए हमारा 30% है और हमारा टी हमारा 10%, यही है। उसी तरह दूसरा स्ट्रैंड भी तो वैसे का ही होगा ना, यहाँ पे सी है मतलब ट्रिपल बॉन्ड से जी होगा, ये भी तो 60% हुआ ना, अगर सी है सी जितना है जी भी तो उतना ही होगा ना, तो ये डबल बॉन्ड टी है ए तो ये भी 30% हुआ, टी अगर यहाँ पे है इस स्ट्रैंड में तो यहाँ पे ए होगा, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये भी 10% होगा,
इस तरह से होगा। बस हमें कुछ नहीं करना, ये 60% है यानी 600 × 3 करना है, और ये 40% रेस्ट वाला है यानी हमारा 400 × 2 करना है। बस हो गया हमारा आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इन सैंगर्स मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग द ग्रोइंग डीएनए चेन आर टर्मिनेटेड बिकॉज, तो सैंगर्स मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग है, मैक्सिमम एंड गिलबर्ट मेथड है, सैंगर्स मेथड है, तो यहाँ पे जो ग्रोइंग डीएनए चेन को टर्मिनेट किस वजह से होता है, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज इज नॉट वेरी पॉजिटिव प्रोसेसिव, या फिर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियोटाइड इज इनकॉर्पोरेटेड, या फिर द सब्सट्रेट बिकमिंग लिमिटिंग, या फिर ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैन नॉट बी मेड। तो ये सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग में द ग्रोइंग चेन टर्मिनेट होता है किसके वजह से, बिकॉज ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड इज इनकॉर्पोरेट, उसमें एक रेडियो एक्टिव इनकॉर्पोरेट हो जाने की वजह से वो टर्मिनेट हो जाता है, चेन ग्रो नहीं करता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि हमने कहा था 35 क्वेश्चन करेंगे। तो बोला गया ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर टू आइसोमोर आइसोमेरिक मोनोसैकेराइड्स नोन एज, तो ये बहुत ईजी है। एनोमर्स कहा जाता है, एपिमर, इनान्टियोमर्स या फिर कॉन्फर्मर्स, इसको कहा जाता है एपिमर। और ये एक पोजिशन, एपिमर उसे कहा जाता है जो कि ओनली वन पोजिशन में, वन कार्बन पोजिशन में, वन कार्बन पोजिशन वेरी, ओनली वन कार्बन पोजिशन वेरी, ठीक है। नहीं तो आप लोग जहाँ मालूम है ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सभी का आप लोगों का फॉर्मूला सेम ही है, C6H12O6, ठीक है, ये सेम ही है, बट सिर्फ फर्क क्या है, उनके कार्बन पोजीशन में, एक ही पोजीशन में ओ एच ग्रुप का जो अदला बदली के वजह से ये एपिमर बनाते हैं, खास करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो खैर यही था आप लोगों का पहला 35 क्वेश्चन, और मैंने कोशिश किया जितना इजी वे में हो सके उसका उतना इजी वे में समझा सको। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर बेटर प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप चाहो तो चैनल में जाके प्ले लिस्ट में जो भी जितने डेडिकेटेड प्ले लिस्ट में आप लोग डेडिकेटेड सीपेट के जूलॉजी के रिलेटेड सारे वीडियोज मिल जाएंगे, साथ में दूसरे दूसरे टॉपिक्स के भी एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, तो उन सब भी वीडियो को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट 35 वाले 35 क्वेश्चन को सॉल्व वाले वीडियो में।